بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا व उलिया का तमाम तमामस्म की तारीफ़ तोसीफ़ बुजुर्गी व बड़ाई आदमतों की बरियाई अल्लाद शरीक खालिक का इनात मालिक अरदोसमा के लिए है जिसने हमारी हिदायत, हमारी रहनुमाई और हमारी रहबरी के लिए अम्बिया कराम के सिलसिले को शुरू किया उसके बाद लाखों करोड़ों दरुद सलाम हो जनाब महमद करम सल्ह की दात गिरामी आपके आल और आपके अब पर जिनकी अनथक कोशिशों मेहनतों और क़ुरबानियों से यदी हम तक पहुँचा है हमारा ताल्लुक उस उम्मत से है जिस उम्मत के बारे में अल्लाह तबारक व ताली ने खैर उम्मत की बात कही है कन तुम खैर उम्म तुम बेहतरीन उम्मत हो लेकिन अगर आज हम इस उम्मत की हालत को देखें तो ये काबिल अफ़सोस है तादाद के अतबार से तो हम बहुत हैं अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद की बात हो तो तकरीबन 114 करोड़ के करीब मुसलमानों की आबादी है गोया आबादी इतनी है कि इस दुनिया का हर चौथा फ़र्द मुसलमान है और अगर मुल्कों की सरबराही केतबार से देखा जाए तो पचपन छप्पन ममालिक ऐसे हैं जिसके सरबराह मुसलमान हैं उसके बावजूद आज हमारी हालत बुरी है हम जलील हैं हम ख़ार हैं हम रस्वा हैं क्या वजह है क्या सबब है तरक्की से तनज़ुली की तरफ़ आने का क्या सबब है कि जो इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तौर ने हमें दी थी वो हमने खो दिया और हम जलील और रसवा हो गए आज के खुतबे में बुनियादी इसबाब जो किसी कौम के जलील और ख़ार होने के हो सकते हैं उसका तस्करा किया जाएगा अल्लाह तबारक व ताली ने एम बिया का जो सिलसिला शुरू किया है उनकी बुनियादी कड़ी यह है बुनियादी पैगाम यह है कि अल्लाह तबारक व ताली की तोहद की तरफ लोगों को बुलाया जाए यही हमसे भी तकाजा किया गया कि हम अपनी ज़िंदगी में तोहीद को अपनाएं, शिरक से बचे रहें अपनी इबादतों को खालसतः तबारक व ताल के लिए अदा करें लेकिन जब उम्मत शिरक में दाखिल हो गई तोहीद के साथ इन्होंने शिरक को शामिल कर लिया तो अल्लाह तबारक व ने जलील कर दिया अल्लाह तबारक व ताली ने दुनिया में हुकूमत के दुनिया पे हाकिम बनने के जो बुनियादी इसबाब किए हैं वो दो ही है दो ही शर्तें अल्लाह तबारक वाली ने रखी हैं अल्लाह ने फरमाया वदिन <सवगाँ> आमन उमिनकुम व आमिलहत अल्लाह तबारक ने ईमान और अमल सालेह करने वालों से वादा किया है दो शर्तें अल्लाह ने रखी है ईमान और अमल साल

जैसे इस्लाम का बोलबाला पहले था वो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से था ईमान और अमल सवाल उनके पास था और इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला कौमों को तरक्की देता है और इसी में जब कमी वाकई हो जाती है अल्लाह तबारक व ताला जलील और रस्वा कर देता है ये बहुत अहम आयत है जिसका अल्लाह तबारक व ताली ने तस्करा किया उसी दीन की बुनियाद पर जो दीन अल्लाह के रसूल वसल्लम स्थुल स्थुल लेकर के आए अल्लाह तबारक वाली तरक्की देता है और आयत के आखिरी टुकड़े में अल्लाह तबारक व ताली अब नीला यु शरिका यही अमल साल ही की तफसीर है वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे मन का फ़राब आदली का फलाई का हमुलफास और ईमान लाने के बाद अमल में शिर को दाखिल कर लेना फिस्क को दाखिल कर लेना अल्लाह तबारक व ताली ने ऐसे ही लोगों के लिए जिल्लत की बात कही है कि फिस्क है ये फासिक हैं इस तरीके के लोग जो ईमान लाने के बाद अपनी ज़िंदगी में शर को दाखिल कर लेते हैं कुरान करीम के इससे भी ज़्यादा वाज आयत अल्लाह तबारक व तै ने फरमायादी आमनुल बिस कि जो लोग ईमान लेकर के आए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया ये अमन में रहेंगे जब आए नाजिल हुई सहाबा घबरा गए जुल्म जो है ये सिर्फ बड़े गुनाह नहीं होते मामूली गुनाह भी में शामिल होते हैं साहबा घबराए कि हमें से कौन ऐसा है जो जुल्म नहीं करता है किसे वाकई नहीं होता है अल्लाह के रसूल रसुलसलम के पास घबराए हुए आए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है आ मनु वलम बिई ईमान बेल्म जो ईमान लेकर के आए और अपने ईमान के साथ उन्होंने शिरक को दाखिल नहीं किया अमन उनके लिए है सलामती उनके लिए है चैन उनके लिए है दुनिया में सुकून उनके लिए है जो ईमान लेकर के आए और अपने ईमान को उन्होंने खालिश रखा सिर को नहीं मिलाया जब हमने अपने ईमान के साथ अपने अमल के साथ अपनी जिंदगियों में सिर को दाखिल कर दिया तो अल्लाह तबारक तआला ने जरील कर दिया रसवा कर दिया कुरान करीम की एक तबारक तआला फरमाते हैं इल्ला वहुम मुशरिकून मुसलमानों की अक्सरियत की तादाद देखें जो अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करते हैं अल्लाह से मोहब्बत का दावा है नबी से मोहब्बत का दावा है अपने आप को ईमान वाला कहते हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं अक्सर लोग मुशरिक हैं आप नहीं देखते एक मुफसर आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं कब्रों पर जाकर देखिए अल्लाह तबारक वाले के वो बंदे जो मदफून है जो मर चुके हैं जिनका अमल मुनकत हो गया है दुनिया से उनका कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा है उनके कब्रों पर जाकर के वो इबादतें वो अमाल किए जाते हैं जो अमाल सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के लिए रखे जा सकते हैं जो अमाल सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकते हैं जो अकीदत जो बंदगी जो डर जो खौफ अल्लाह तबारक तआला के लिए हो सकता है वही डर वही खौफ <स्याँग> कब्र वालों से है अल्लाह तबारक तआला ऐसे उम्मतों को तो कभी इज्जत नहीं देता ऐसे उम्मतों को कभी वक़ार अदा नहीं करता है ऐसे लोगों को हमेशा जलील कर देता है खार कर देता है तो सबसे बड़ी वजह बुनियादी वजह इस उम्मत के जलील और खार होने की इस उम्मत के हैसियत वक़ात के खत्म हो जाने की है वो ये कि इस उम्मत ने अपनी तौहीद में शर को दाखिल कर लिया है एक दूसरा सबब कुरान करीम से हमारी दूरी है कुरान करीम से हमारा ताल्लुक सिर्फ पढ़ने तक है और वो पढ़ना हमारा सिर्फ़ रस्मन है और ये उन लोगों का है जो दीन से जुड़े हुए हैं जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं जिनका मस्जिद से ताल्लुक़ है उनकी हालत ये है कि वो सिर्फ़ कुरान करीम को देख करके किसी तरीक़े से पढ़ने की हद तक है वो भी सही की तरफ ध्यान नहीं है कुरान करीम को तजवीद के साथ जिस तरीके से कुरान करीम को देख कर पढ़ने का हक है वो पूरा हो जाए इस हद तक भी नहीं है बस रस्मन ये चीजें हो रही हैं कि कुरान पढ़ना किसी तरीके से गलतियों के साथ आ जा रहा है ये हमारा कुरान करीम के साथ रवैया है कुरान करीम का हक सिर्फ इतना नहीं है कुरान करीम को अल्लाह तबारक ने जो बाकी रखा है हमेशा के लिए वो इसलिए ताकि हमारा रिश्ता कुरान से जुड़ा रहे हम क़ुरान से जुड़े रहें कुरान करीम में वो बातें हैं वो अल्लाह का पैगाम है जो हमें इज्जत अदा करने वाला है वो बातें हैं वो अमाल व तआला ने जिक्र किए हैं जिससे एक उम्मत जलील होती है ख़ार होती है कुरान करीम को अगर सिर्फ़ रवानी से पढ़ने की हद तक बात की जाए तो कुरान करीम के साथ ना इंसाफ़ी होगी कुरान करीम को देख कर पढ़ना उसका हक़ है कुरान करीम को समझ कर पढ़ना उसका हक़ है कुरान करीम में तदब्बुर करना यह कुर करीम का हक़ है हमने तो किसी भी हक़ को मुकम्मल तौर से अदा नहीं किया कुरान करीम को हमने सिर्फ जीत के लिए घर में रख दिया रमजान मुबारक का महीना आया अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी हमने कुरान मजीद की तिलावत की पढ़ा हमने कुरान करीम को और फिर समेट करके रख दिया इसलिए कुरानी करीम नहीं है कि सिर्फ एक महीने में कुरान करीम को पढ़ा जाए बाकी हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए कुर करीम से अपना रिश्ता आप जोड़िए उम्रद्ला फ़रमाते हैं अला नबीम सत कि तुम्हारे नबी सल्हलम ने कहा किताब अकवाबा कि अल्लाह कौमों को इसी कुरान करीम के ज़रिए से तरक्की देता है जब कौमें कुरान करीम से जुड़ती हैं अपना रिश्ता जोड़ती हैं अपनी ज़िंदगी के आमाल कुरान करीम के मुताबिक करते हैं देखते हैं कुरान करीम का पैगाम क्या है और अपनी ज़िंदगी को उसी के मुताबिक गुजारते हैं अल्लाह बुलंदी अदा करता है अल्लाह तरक्की देता है अल्लाह इज़्ज़त देता है और जब कुरान करीम से रिश्ता टूट जाता है कुरान करीम से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है कुरान करीम को सिर्फ़ बरकत के लिए पढ़ा जाता है तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को जलील करता है रुसवा करता है अल्लाह के रसूल स जिन पर कुर करीम नाजिल हुआ आप अल्लाह तबारक वाली से इस उम्मत के कुरान करीम से रिश्ता मजबूत ना होने की शिकायत अल्लाह तबारक वाली से करेंगे वकाल रसूल या रब्बी वक़ाल रसूल या रब्बी इन नको मतदु कुरा मजूरा ये मेरी उम्मत है जिसने कुरान करीम को छोड़ दिया था कुर करीम से रिश्ता तोड़ लिया था कुरानी करीम की मिसाल अल्लाह के रसूल वसल्लम ने एक हदीस में कैसे बताई है आप सहाबे के के दरमियान निकलते हैं एक सहाबी फरमाते हैं रसूल फ़काल खुश हो जाओ खुश हो जाओ अलैसा अल्ला इलाही इन्नी रसूल मिन क्या तुम गवाही नहीं देते अल्लाह तबारक वाल की जात अकेली है कि अल्लाह तबारक वाली इबादत का हक अकेले रखता है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि कुर करीम अल्लाह तबारक वाल की तरफ से है साहबा ने कहा नाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़ुरान सब के हाथ में है, और सिरा तुम्हारे हाथ में है तुम इस सिरे को पकड़ लो, इस कोने को पकड़ लो एक वो चीज जो अल्लाह तबारक उताल से जुड़ी हुई है और उसका दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है वह इसे मजबूती के साथ पकड़ लो। फ़ान तिल्लू वलंतली बदा अल्लाह की कसम इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते इसके बाद तुम जलील नहीं हो सकते क़ुरान करीम का रिश्ता अल्लाह तबारक व ताल के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह तबारक वाली की किताब है अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है ताकि बंदे इसको पढ़ते रहें इससे सीखते रहें अपने आप की तरबियत करते रहें अपना तजकिया करते रहें अपने नफूस को पाक करें कुरान करीम से रिश्ता टूटा तो हमने कुरान करीम के अलावा दूसरी चीज़ों से करीब हो गए उनसे हमने रिश्ता जोड़ लिया और अल्लाह तबारक व ताल नतीजता हमें जलीलो रस्वा कर दिया कुरान करीम के साथ साथ सन्नत रसूल की क्या अहमियत है नबी करीम सल्लम की जो सुन्नतें हैं क्या अहमियत है नबी की ज़ात की नबी की ज़ात हमारे लिए आई ही इसीलिए थी ताकि हम नबी को उवा माने नबी को आइडियल माने नबी को अपना क़ायद और अपना हीरो तस्लीम करें और उसकी बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें अपनी ज़िंदगी के अमाल करें नबी करीम ने सारी ज़िंदगी अपने आमाल अपने इबादतों अपने अतवार के ज़रिए से पैगाम दिया है कि अमल कैसा होना चाहिए तरीक़ा कैसा होना चाहिए लेकिन हमने क्या किया हमने नबी करीम की सुन्नतों को छोड़ा नबी के अहकाम को छोड़ा नबी ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया था उसको पशे पुस्त डाल दिया अल्लाह तबारक व ताली ने कहा फल यहदरल्दीन

कि नबी की नाफरमानी की वजह से उनके ऊपर फितना आ जाए एक मुफस्सिर सिर फितने की तफसर करते हैं सुल्तान युसल एक झालिम बादशाह उनके ऊपर मुकर हो जाएगा जब अल्लाह के रसूल की नाफ़रमानी होगी तो अल्लाह तबारक व ताल उसके नतीजे में ालिम बादशाह मुसलत कर देगा और आजाब की तफसीर करते हुए कहते हैं अल कत्ल कि फिर वालिम बादशाह जो होगा वो उनके कत्ल का फरमान सादिर करेगा उनके कत्ल की परवाह नहीं होगी उनका खून लोगों की निगाह में सस्ता हो जाएगा उनकी अहमियत जानवरों से भी कम हो जाएगी लोग जानवरों के मरने पर अफसोस का इजहार करेंगे उनके मारे जाने पर उनसे मोहब्बत का इजहार करेंगे लेकिन अगर मुसलमानों को अल्लाह के रसूल वसम की मुखालफत करने वालों को जब कत्ल किया जाएगा मारा जाएगा और उनके खून के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो लोगों पर कुछ असर नहीं होगा वो आसान हो जाएगा उनके लिए उनकी अहमियत उनकी कदर उनकी कीमत घट जाएगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों से आपके अहकाम से जो दूरी है उसका नतीजा ही है ये कि हमने नबी करीम की सन्नतों को फरामोश कर दिया आपके अहकाम को भुला दिया आपके तरीक़े को भुला दिया तो अल्लाह तबारक तो ताला ने ये दिन हमें दिखाए हैं आप देखें किस तरीक़े से सहाबा नबी करीम सैरवी करते थे अल्लाह तबारक व तो ताली ने फरमाया कि मोमिन का तरीक़ा क्या होता है एक मोमिन की ज़िंदगी की आदत क्या होती है वो किस तरीके से नबी को की बातों पर अमल करता है इनमा काना कि मोमिन ऐसा होता है कि जब उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है उसको आवाज़ दी जाती है अल्लाह की तरफ़ उसके रसूल की तरफ कुरान करीम की तरफ हदीस की तरफ तो कहता है समा व अताना बगैर किसी चूँ चरा के बगैर किसी सवाल जवाब के की वो कह देता है हमने सुन लिया हमने इत कर ली बात अल्लाह की है बात रसूल की है इख्लाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी बस एक कुरान करीम की बात एक मोमिन का तरीक़ा बताया गया आप सहाबा की ज़िंदगी में देखें एक मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्ला व्लम मंबर पर हैं जुमा का दिन है हदीस है जुमा का दिन है अल्लाह मिंबर पर आए और कहा कि बैठ जाओ मसल मस्जिद नबीसम फ़काल तब्ह नबी करीमल सल्लम्बर पर हैं कुछ लोग खड़े हैं मम्बर पर जैसे नबी वस आए और आपने कहा कि बैठ जाओ खुतबे का वक्त हो गया है ख़ुदबा सुनो नबी वसम की आवाज़ अब्दुल्लब मसूद को पहुँचती वो मस्जिद के दरवाजे पर होते हैं वहीं बैठ जाते हैं वो मस्जिद के दरवाजे पर हैं वहीं बैठ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बैठ जाओ वहीं बैठ गए मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए ये नहीं कहा मस्जिद के दरवाजे पर मैं कैसे बैठूंगा नबी की आवाज़ कानों में पहुंची फ़ौरन मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनको बुलाया कि अब्दुल्ला पाप अंदर आ जाओ तो ये सहाबा का तरीका था कुरान की आयत हदीस आ रही है तो फिर सवाल जवाब काल नहीं हो रहा है नबी की बात है अल्लाह की बात है रसूल की बात है बगैर किसी चूँ चरा के उसको मान रहे हैं तस्लीम कर रहे हैं और ये चीज़ ये सिफत जब इंसान के अंदर से एक मोमिन के अंदर से एक मुस्लिम के अंदर से ख़त्म हो जाएगी तो हज़ाब नाजिल होंगे आप देखें बहुत सारे लोग जो दीनदार हैं दीन से जुड़े हुए हैं नमाज की पाबंदी है और बहुत मुमकिन है कि घरों में रात में तहजद की नमाज़ भी पढ़ते हों ये उनकी ज़िंदगी के वह अमाल हैं जो लोगों को दिखते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी के ऐसे ही नेक लोग ऐसे ही अच्छे लोग जिनकी ज़िंदगी बहुत सारी अच्छाई है खूबी है नेकी है लेकिन जब शादी ब्याह का मसला आएगा पर्दे का मसला आएगा बच्चों की तालीम का मसला आएगा तो दिन से दूर हो जाते हैं तो ईमान लेकर आना है और ईमान हमारा मुकम्मल तौर से होना चाहिए ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताल की इत के मुताबिक अल्लाह के फरमान के मुताबिक नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए आप देखें बनी इसराइल के साथ क्या हुआ जो नबी आता है नबी उस उम्मत का सबसे बड़ा गमखार होता है उस उम्मत का सबसे ज़्यादा भला चाहने वाला होता है लेकिन जब उम्मत नाफरमानी करती है रसूल की तो अल्ला तबारक व तालदी कफ़ार बनी इसराइल सब ने मरिया कि जो नबी है उनके उनके जरिए से उम्मत पर लानत की जा रही है जब रसूल की मुखालफत हो रही है रसूल की बातों को नहीं माना जा रहा तो जो रसूल उनकी भलाई के लिए आया है उनका रास्ता दिखाने के लिए आया है वही रसूल उनके लिए, लिए बदुआ भी करता है वही रसूल उन पर लानतें भी, लानते भी बेचता है अल्लाह के रसूल सलम फरमाते हैं जुलत जिल्लतारमरी कि जो मेरी मुखालफत करेगा मेरी बातों को नहीं मानेगा ऐसे लोगों पर ज़िल्ल रसवाई थोप दी जाती है मुसलत कर दी जाती है कि जब लोग अल्लाह के रसूल की बातें मानना छोड़ देंगे आपकी बातों से रुकरदारी करेंगे उनके लिए अपनी जिंदगी उनकी अपनी सोच उनकी अपनी फिक्र उनका अपना अमल यही सब कुछ हो जाएगा तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक वाले की तरफ से लानतें भेजी जाएंगी और ऐसे लोग जलील होंगे खार होंगे जहां कुरान करीम अहम है वहीं नबी करीम की सुन्नत भी हमारे लिए बहुत अहम है यही दो चीजें हैं जो एक मोमिन को कामयाब बनाने वाली हैं इन्हीं से जुड़ करके रिश्ता जोड़ करके हम अल्लाह तबारक को तला की जन्नत की वसातों में दाखिल हो सकते हैं तीसरा सब यह भी है कि हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत दाखिल हो गई है अल्लाह के रसूल सल्म की हदीस है यूशिका अलकम कमा तदा अक़लत अला कसाति एक वक्त ऐसा आएगा कि उम्मत महमदिया पर लोग इस तरीक़े से टूट पड़ेंगे जैसा भूखा दस्तर ख़ान पर टूट पड़ता है ये नबी करीम की लंबी हदीस का इब्तदाई हिस्सा है अब देखिए उम्मत मुसलिमा की मिसाल दी जा रही है कि जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है ऐसे कौमे उम्मत मुस्लिम पर टूट पड़ेंगे क्या खाना जो दस्तरखान पर है वो खेत से डायरेक्ट आया है नहीं उसके बहुत सारे हिस्से हैं वहां से चलकर फिर ये मरहले तक पहुंचता है उम्मत मुसलिमा अचानक जलील नहीं होगी अचानक खार नहीं होगी बड़ी इनका अपने आबाउद से रिश्ता टूटेगा असलाफ से रिश्ता टूटेगा इस्लामी शार से रिश्ता टूट जाएगा अल्लाह तबारक वाले से रिश्ता टूटेगा हदीस से कुरान से रिश्ता टूटेगा सहाबा से रिश्ता टूटेगा असलाफ से टूटेगा और फिर नतीजतन ये होगा कि ये जलील होंगे और सारी उम्मतें इन पर जब चाहेंगी जैसे चाहेंगी इनके साथ नारवा सलूक करेंगे आगे अल्लाह के रसूल सल्लम के सहाबी बैठे हैं पूछते हैं मिन नहनु नहनुमदिन शायद उस वक्त हमारी तादाद कम होगी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बल अ तुम योम इन तादाद तो बहुत होगी तादाद में कमी नहीं होगी तादाद बहुत होगी वाला किन्न कुम गुसा उनका गुस्सा इस सही लेकिन तुम्हारी मिसाल बारिश के मामूली पानी में बहने वाले खसो खाशाक की तरह होगी जिस तरीके से बारिश का पानी मामूली भी बहता है तो उसके साथ कुछ गर्दो गुबार चलते रहते हैं जहाँ पानी जाता है वो साथ में उनको हिलाते डाते लेकर चलता है ऐसे ही उम्मत मुसलमा की हालत होगी हदीस में बुनियादी तौर पर दो बातों का जिक्र अल्लाह वसम ने किया है कि उम्मत के जलील होने की वजह यह है इस हालत की वजह है सारी उम्मतों के टूट जाने की इस पर वजह यह होगी कि कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा तुम्हारा डर निकाल देगा और और अल्लाह तबारक व तआला <णणणागाँ> वला यक्ज़िफन अल्लाह फी कुलूबिकुम अल महाबत मिनकुम अल वहन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा साहबी ने पूछा <णणागा�> वमल वहन या रसूल अल्लाह वकाल कायलुन वमन वहन या रसूल अल्लाह कि वहन क्या है नबी वसल्लम कहते हैं हब दुनिया व मौत, दुनिया की मोहब्बत है और मौत से नफरत है इस्लामी तारीख देखें आप एक तरफ से आप उठा लीजिए बनोमैया का आखिरी दौर देख लीजिए बनो अब्बासिया देख लीजिए उस्मानिया देख लीजिए जब ये कौमें बदली हैं इनके हालात बदले हैं तो आप देखें इनके अंदर बादशाहत थी हुकूमत थी ताकत था तो ये इस्लाम के लिए इस्तेमाल नहीं, नहीं हुआ ये शरीयत के लिए अल्लाह की बुलंदी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ उन्होंने हुकूमतें की हैं उन्होंने तरक्याँ की हैं तो दुनिया की मोहब्बत में की है साहबा को आप देखें अमर रदी अल्लाह वनु के बारे में आप देखें थी उन्हें ये नहीं था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को फतेह कर लें वो चाहते थे जिन ज़मीनों पर हमारी हुकूमत है उन्हीं ज़मीनों पर हम अल्लाह दबारा को की हकूमत कायम कर सकें और यहाँ हुकूमतों को देखें अब्बासिया को देखें स्मानिया को देखें इनके अंदर दुनिया की मोहब्बत इस तरह से पैदा हो गई थी कि ये ज़मीनों को फतेह करना चाह रहे थे ये अल्लाह की मोहब्बत के कदम नहीं बढ़ते थे ये तौहीद के प्रचारक नहीं थे इन्होंने जब ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू किया अल्लाह की ज़मीन को वसातों को इन्होंने अपनी जाति मनसब के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जाति फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया हुकूमत की लालच में किया तो अल्लाह तबारक व तारा ने सली रस्वा कर दिया हिंदुस्तान में आप मुग़लों को देखें लंबी हुकूमत रही कहने को मुसलमान थे लेकिन क्या उन्होंने तोहैद का प्रचार किया क्या उन्होंने मदारस क़ायम किए क्या उन्होंने अल्लाह तबारक व तैयार के दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाया क्या उन्होंने अल्लाह तबारक व तै के लिए इस्लाम के लिए नबी करीम सेम की सुन्नतों का प्रचार किया वो आए यहाँ पर ज़मीन को फतेह करने के लिए लोगों के दिलों को फतेह करने के लिए नहीं आए वो इस वजह से नहीं आए यहाँ पर कि हम अल्लाह तबारक व तैयार का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँगे लोगों को बुलाएंगे तो हेद की तरफ लोगों को बुलाएंगे कि अल्लाह तबारक व वाली की रात इबादत के लायक है नहीं उन्होंने दुनिया पर जो हुकूमत की जो फतेह किए जो लड़ाइयाँ की उनका मकसद दुनिया की मोहब्बत थी और अल्लाह तबारक व वाली ने इसी वजह से उनको दलील कर दिया और कर दिया तो जब इंसान अल्लाह तबारक व वाल से दूर होता है जब इंसान शरीय से दूर होता है उसकी जिंदगी में नाफरमानी आती है तो ये उसको एहसास भी होता है वो महसूस करता है कि हाँ कमी है कोताही है और इन्हीं कमियों और कोताही की वजह से वो मौत से डरने लगता है उसको मौत से खौफ होता है वो जानता है कि मरने के बाद की, की ज़िंदगी अगर हमाल हमारे ऐसे ही रहे तो बेहतर नहीं रहेंगे इसीलिए जब यहूदियों ने दावा किया कि अल्लाह तबारक वाली हमसे बड़ी मोहब्बत करता है अल्लाह हमें अजाब नहीं देगा अल्लाह हमें सज़ा नहीं देगा तो अल्लाह तबारक वाली ने यही कहा कि उनसे कहो अगर उन्हें अल्लाह तबारक वाल की मोहब्बत का दावा है वो अल्लाह तबारक उनको जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा तो उनसे कहो कि मौत की तमन्ना करें इनकार किया वो मौत की तमन्ना नहीं कर सकते तो जब हमारी ज़िंदगी में नाफरमानी होगी मुखालफत होगी दीन की तो हम मौत से डरेंगे और जब हमारे अंदर अल्लाह का तकवा आएगा परहेजगारी आएगी तो हमारे अंदर मौत का खौफ निकल जाएगा और मौत का खौफ इंसान को बेशुमार बीमारियों, अज़ाब और, और तकलीफ़ों से बचा लेता है तो बड़ा सब ये है कि हम जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व हमें जलील और रस्वा कर देगा कुरान करीम की आयत है मन का नुरीदुल हरज्ल आखिर नजद लहूफ़ी कि जो आखरत की खेती चाहता है आखरत का फ़ायदा चाहता है आख़रत का मुनाफा चाहता है नजद लहूफ़ी हर्सी उसके फ़ायदे में उसके खेती में हम इजाफा कर देते हैं मन का नीद हरस दुनिया नोति मिन और जिसको दुनिया का फ़ायदा चाहिए दुनिया हासिल करना चाहता वो भी हम देते दे दे हैं वमांहूफिल आख़रत ख़लाक, लेकिन आखिरत में दुनिया वालों का कोई हिस्सा नहीं होता है एक और सबब इस उम्मत के जलील और रसवा होने का वो ये कि भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है माशरे में अगर कोई आदमी या लोग सिर्फ़ इबादतें कर रहे हैं भलाई का हुक्म अपनी इबादतों से वो खुश हैं लोग कौम में माशरे में समाज में बुराई है उसकी परवाह उनको नहीं है तो ये आदाब का सबब बन जाता है ये अल्लाह तबारक व ताली की तरफ से आदाब का सबब बन जाता है कि बंदा जिस माशरे में है उसकी बुराइयों को तो ख़त्म करने की फ़िक्र नहीं करता अल्लाह के कर रसूल सरमाते हैं कि तुम भलाइयों का हुक्म दो तुम बुराइयों से रोको वरना के करीब है कि अल्लाह तबारक वाली तुम्हारे ऊपर आदाब भेज देगा यब अमेक़ाबन तुम्हारे ऊपर आदाब भेज देगा और तुम अल्लाह तबारक व ताली से दुआ करोगे तुम्हारी दुआएँ कबूल नहीं होंगी फ़लाह इस बुल तुम दुआएँ करोगे लेकिन अल्लाह तबारक वाली इस बुराई की वजह से इस कमी की वजह से तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से तुम्हारी दुआओं को भी अल्लाह तबारक व तालबूल नहीं करेगा तो ये वजह है कि बहुत सारे इसबाब जिनका चंद इस्बाब का मैंने ज़िक्र किया कि जिस वजह से अल्लाह तबारक व ताली ने इस उम्मत को जलील किया है इस उम्मत को रसवा किया है इसके अलावा एक सबब ये भी है कि इख्तलाफ है इस उम्मत में इस उम्मत ने अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया है इस उम्मत ने अपने आप को अलग अलग पार्टियों में तकसीम कर लिया है अपनी नस्बत किसी ख़ास इमाम की तरफ कर दी है और दूसरे लोगों से नफरत पैदा करना शुरू कर दिया है ये सबब है इस उम्मत के जलील होने का रसुवा होने का अल्लाह तबारक व तालमत की तरह से इज्तिमाियत को इतिहाद को करते हैं वाह तसीम बेहबल्ला जमी तफरकु। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्क़ा पैदा ना करो कुरान एक है हदीस एक है सहाबे कर को देखें उनके फहम के मुताबिक कुरान करीम को हदीस रसूल को समझने की कोशिश करें और जब मनमानी होगी किसी इंसान को खास कर लिया जाएगा कि हम शरीयत में सिर्फ शरी इसी इमाम की बात मानेंगे इसके अलावा किसी और को नहीं देखना है किसी और मुहदिस को नहीं देखना है किसी और इमाम को नहीं देखना है तो अल्लाह तबारक वाली उम्मतों को जलील करता है रस्वा करता है अल्लाह तबारक व ताली ने जो दीन की हिफाजत की है जो कुरान करीम की हिफाजत की है रसूल की हदीस की हिफाजत की है और जो मानी है जो मकालिब है जो तफसीर है जो मफूम है उसकी भी अल्लाह तबारक व तो ताली ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है तो ये सारी चीज़ें जो अमाल हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए वह कुर करीम के मुताबिक होने चाहिए वह हदीस रसूल के मुताबिक होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में जो अमाल हों वो ध्यान रखें इबादतें हों तो खालिश हों तो हो हमारी जिंदगी में शिरक ना आए हमारे आमाल में शिरक ना हो हमारी पर कुछ ऐसे कलिमात ना आए ऐसे जुमले ना आए जो हमें शिरक पहुंचाने वाले हों इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है आप देखें जिंदगी का कोई भी अमल हो कोई भी काम हो आप पूछें कि इस अमल का सही तरीका क्या है सुन्नत का तरीका क्या है अल्लाह तबारक तआला ने क्या पैगाम दिया है कि किस तरीके से इस अमल को किया जाए उसी तरीके से हम जब अपनी इबादतों को अंजाम देंगे उसी तरीके से अपने अमल को अंजाम देंगे और अल्लाह तबारक व ताली की भलाई चाहेंगे अल्लाह की रिजवान चाहेंगे उसकी खुशनुदी को हासिल करना यही हमारा मकसद होगा तो अल्लाह तबारक व ताली हमें कामयाब करेगा अल्लाह तबारक व ताल हमारे दिन को पलट देगा जो ये दिन हमारे लिए हैं जो हमारी हालत है मुल्की पैमाने पर हो या आलमी पैमाने पर सबके नज़रों के सामने है लेकिन अफसोस यह है कि हमें अपनी फ़िक्र नहीं है अपनी हालत की फ़िक्र नहीं है हम उसको सही नहीं करना चाहते हैं हम जानते हैं देखते हैं कि हालात दिन बदिन बुरे से बुरे होते जा रहे हैं लेकिन हम उसकी फिक्र नहीं करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में साल तकरीबन सदियाँ गुजर रही हैं उनके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग चल रही है वो चल रहा है मुसलमान ख्वाब गफलत में है उसको फ़िक्र है तो फिलिस्तीन की उसको फ़िक्र है तो दुनिया के देश दूसरे लोगों की करनी चाहिए बुरा नहीं है लेकिन आपकी ख़ुद की फिक्र कहाँ है आप अपने हालत के बारे में कब देखेंगे आप कब समझेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ लेकर जाया जा रहा है आपकी हालत बुरी से बुरी होती जा रही है और आपको खुद की फ़िक्र नहीं है अल्लाह तबारक वाले से दुआ है कि हमें समझ अदा कर हमें क़ुरान करीम के मुताबिक शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे हमें तौफीक दे कि ज़िंदगी के हर अमल को अल्लाह की रदा के लिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए गुजारे मुसलमान जहाँ भी तकलीफ़ में हैं परेशानी में हैं मुसीबत में हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर कर दे अल्लाह तबारक व तआला तूने हमें रमजान मुबारक के महीने में इबादतों की तौफीक दी थी हमें तौफीक दे कि हम उन इबादतों को जारी रख सकें करीम की तिलावत को जारी रखें रोजे नफली रोजे रखने का कर सकें आमीन मुहम्मद। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबक साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन